दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम पर किसी को फॉलो किए बिना अगर उसका लास्ट सीन देखना चाहते हैं तो उसको किस तरह से देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इंस्टाग्राम पर किसी का लास्ट सीन देखना चाहते हैं, उसका ऑनलाइन स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसे फॉलो करना जरूरी होता है। आज के वीडियो में आप लोग को किसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि अगर आपने किसी पर्सन को फॉलो नहीं किया हुआ है और बिना फॉलो किए हुए आप उसके ऑनलाइन स्टेटस को चेक करना चाहते हैं, लास्ट सीन को देखना चाहते हैं, तो उसको बहुत आसानी से देख पाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर किसी को भी फॉलो किए बिना लास्ट सीन या ऑनलाइन स्टेटस किस तरह से चेक किया जाता है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी किसी पर्सन को फॉलो किए बिना उसका इंस्टाग्राम स्टेटस चेक करना चाहते हैं, उसका लास्ट सीन चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों कि मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड किया है। सबसे पहले उस लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से आपको उस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने उस एप्लीकेशन को अपने फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, चलिए डायरेक्ट मैं आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा देता हूं। तो जैसे फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहां पे आपसे किसी भी तरह की परमिशन नहीं मांगेगा, किसी तरह का आपको यहां पे लॉगिन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा इंटरफेस आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको बोला जा रहा है कि Instagram यूजर नेम यानी कि आपको उस पर्सन का यूजर नेम यानी कि Instagram का यूजर नेम आपको यहां पे पेस्ट कर देना है या टाइप कर देना जिसका लास्ट सीन यानी कि ऑनलाइन स्टेटस आप चेक करना चाहते हैं। तो चलिए जैसे कि मैं यहां पर एक यूजर नेम टाइप कर देता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने किसी पर्सन का यूजर नेम यहां पे टाइप कर दिया है। अब यूजर नेम टाइप करने के बाद आपको नीचे जो कंटिन्यू का बटन मिलता है आपको सिंपली यहां पे कुछ नहीं करना है, इस कंटिन्यू के बटन पर टैप कर देना है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब जिस पर्सन का मैंने यहाँ पे यूजर नेम डाला था उसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो कब ऑनलाइन था, इस टाइम पे वो ऑनलाइन है या नहीं, लास्ट सीन उसका क्या है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और इस तरह से आप किसी भी पर्सन को इंस्टाग्राम पे फॉलो किए बिना उसके ऑनलाइन स्टेटस को चेक कर सकते हैं, उसके लास्ट सीन को देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि इस एप्लीकेशन में आप सिर्फ एक ही पर्सन का नंबर यहाँ पे पता कर पाएंगे यानी कि एक ही पर्सन के बारे में आप जान पाएंगे कि वो ऑनलाइन है या नहीं, वो भी उसे फॉलो किए बिना। इसके अलावा अगर आप दोबारा इस एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी एप्लीकेशन हमारी वर्क नहीं करेगी, ये सिर्फ एक बार ही फ्री में वर्क करती है, उसके बाद अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको इसका मंथली ईयरली या थ्री मंथ का आपको प्लान यहाँ से बाय करना होगा। आपको अगर किसी एक पर्सन के बारे में जानना है, आप उसे फॉलो भी नहीं करना चाहते लेकिन उसके लास्ट सीन या ऑनलाइन स्टेटस के बारे में जानना चाहते हैं, तो अपने उस एक अकाउंट की डिटेल आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से बिल्कुल फ्री में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यू यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको आपको बाय करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर किसी को भी फॉलो किए बिना अगर उसके लास्ट सीन को देखना चाहते हैं या उसके ऑनलाइन स्टेटस को देखना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को फॉलो करके उस एप्लीकेशन की हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।